साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से। आप अलंकार और पलटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें स्वर ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप गलत तरीके से पलटे और अलंकार कर रहे हैं। आप उनको एक निश्चित लय में और एक निश्चित ताल में नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो ताल आप बजा कर करें, आप मन में भी ताल को और लय को चला सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इन पलटों और अलंकारों का एक छंद होता है, उस छंद को हम समझने वाले हैं। कैसे आप उस छंद में उन अलंकारों को करेंगे। आप जैसे ही हारमोनियम पर बैठेंगे, जिस स्वर के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्वर के साथ अपनी आवाज मिलाएं, यानी अपना सा को साधें। लंबा सा लगाएं, बार बार लगाएं, जिससे आप इस पिच को समझ पाए। आपका सा अच्छे से लगे, इस प्रकार से लहराता हुआ ना लगे, स्ट्रेट लगे। जितना अच्छा सा लगेगा आपकी प्रैक्टिस, आपका रियाज उतना ही अच्छा होगा। आपको पहले अलंकार का जो टुकड़ा है, पहले नंबर का जो पलटा है, सिंगल सिंगल बीट पर करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आप इसको सिंगल बीट के साथ करें। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। शुरुआत में आप जितनी कम लय रखेंगे, जितनी लय में, जितनी ताल की जो स्पीड है, जो बीपीएम है, जितना कम रहेगा या जितने बीपीएम में आप अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं, आप मन में भी एक ताल चला सकते हैं, मन में एक लय चला सकते हैं, जितनी लय या स्पीड आपको ठीक लग रही है। लेकिन वो स्पीड पहले बीट से दूसरी बीट तक बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो आप सा रे गा, मतलब इनके बीच का जो क्रम है, जो अंतर है, वो एक जैसा होना चाहिए। जो छंद है, दूसरा प्रकार का जो हमारा इसका पलटा है, वो एक ताल में दो बार होगा। सा सा रे रे गा गा मा मा। लेकिन मैं अभी इसको एक लय में नहीं बोल रहा। आ सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। पहला जो छंद था वो सिंगल सिंगल चल रहा था, एक 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 एक। ये छंद एक दो एक दो एक दो एक दो। इसका जो तीसरे नंबर का टुकड़ा है इसी पहले अलंकार का, वो तीन तीन के छंद में चलेगा। एक दो तीन चार पांच छह। ताली दे रहा हूं, मतलब ये भरी का हिस्सा है, ये खाली का हिस्सा है। इस अलंकार को हम बीट के साथ करेंगे। सा रे गा, अभी लय में नहीं हूं, इस स्वर के साथ मैं मैच नहीं हुआ हूं। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धानी धानी सा सानी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। तीन तीन का बीट था, स
सारेगा रेगामा गामा पा मापा धा पाधानी धानी सा। अब जो चौथे नंबर का इसका टुकड़ा है वो चार चार वजन का है, ये तीन तीन वजन का था। आप इसको अपनी लय अपनी स्पीड के हिसाब से मन में एक लय एक स्पीड तैयार कर लें, उसके हिसाब से इसको करें। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। आप इसको कहरवा की बीट भी समझ सकते, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। कहरवा आठ बीट का होता है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक। हमारा जो चौथे नंबर का पलटा है, चौथे नंबर का अलंकार है, उसको आप चार चार के छंद में करेंगे। एक, अब आप इसके साथ स्वर को लगा दीजिए, सा रे गामा, सा रे गा मा रे गा मा पा। अब मैं इस स्वर को जो पिच चल रहा है उस पिच के साथ मैं अपनी आवाज को मिला के इसको करूंगा, सा रे गा मा रे गा मा पा मा पा धानी पा धानी सा सा नी धा पा नी धा पा मा पा मा गा रे मा गा रे सा। छंद चल रहा है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इसका पांचवा जो टुकड़ा है वो पांच पांच के गुच्छे में चल रहा है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। आ रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। पांच पांच के छंद में चल रहा है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। ऐसा छंद हमारा होता है झप ताल का, पांच पांच बीट का रहता है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। छह छह का छंद रहेगा, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा। एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ। फास्ट करेंगे तो छह पर ही वजन आ रहा, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। सारे गामा पाधा रे गामा पाधा नी गामा पाधा नी सा, इस तरीके से ये छंद चल रहा है। अब हम सात सात का छंद लेंगे, सारे गामा पाधा नी रे गामा पाधा नी सा। एक दो तीन चार पांच छह सात, सारे गामा पाधा नी रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा। ये सात सात का छंद था। अब हम आठ आठ का छंद ले लेते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। आपको इन छंदों को समझ समझ कर करना है, अलंकारों और पलटों को। जब तक आप एक निश्चित लय और ताल में नहीं करेंगे तब तक आपको स्वर ज्ञान नहीं होगा। अगले वीडियो से हम हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं।